आज मैं अपने छोटे से काम को आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने बहुत सारा छत पर अपने काम किया है, जो कि पौधों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना और काफ़ी सारा साफ़ सफाई। पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हवा से आ गई थी, तो उन्हें मैं बोरी में इकट्ठा करके रख देती हूँ, जिससे कि मैं पौधे लगा सकूँ। और बहुत अच्छा खाद का काम है, छुटी हुई पत्तियाँ करती हूँ तो मुझे ईजिली मिल जाती हैं। इस टाइम से पत्तियाँ सूख करके झड़ती हैं, मेरे सबसे छत के बगल के ही पेड़ बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये वैसे मेरे यहाँ के पेड़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे छत पे आसानी से पत्तियाँ मिल जाती हैं। वैसे तो एक तरह से बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, तो साफ़ करने में भी दिक्कत लगती है, लेकिन जब इनका यूज़ आ जाता है तब बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत ही काम की चीज़ मिल गई मुझे। तो इस तरह से मैं अपनी बोरियों में इसे भर लेती हूँ और भर करके मिट्टी तुरंत भर करके इसको सेट कर देती हूँ। कुछ पत्ती वाला एरिया जैसे भर जाता है ताकि मिट्टी कम लगे और एनर्जी फुल रहता है। ये इस तरह से इसे भर दिया है और भर करके पहले से रखे रहती हूँ। फिर मेरे पास जो मिट्टी और बालू होती है उसे मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसमें इस चीनी को लगा रखा था, ये ड्रेसिना, और जिसमें कि तुलसी जी भी उगाई थी। तो कितनी बड़ी हो गई हैं तुलसी जी। मैंने सेप्टेम्बर में इस ड्रेसिना को लगाया था, बहुत ही छोटा सा प्लांट था और इसकी मिट्टी पीली मिट्टी में ही इसे लगा रखा था। बहुत हार्ड मिट्टी में था तो इसलिए सूखा सूखा सा हो गया, पानी नहीं रुक पा रहा था। बहुत टाइट मिट्टी हो जाने से पौधे अच्छे से नहीं लग पाते हैं, क्योंकि डेली हम उसकी गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। रख रखाव अच्छे से न करने के कारण पौधा हमारा सूखने लग जाता है, तो ये सूखने लगा था। तो इसे मैंने नीचे पॉली बैग से हटा करके अभी इस ग्रो बैग में रखा है। और इसकी सारी मिट्टी मैंने एक्स्ट्रा हटा दी, इस तरह से ढेले ढेले बन गए थे, तो पानी इसमें अच्छे से नहीं रुक पाता था और ईंट की तरह पत्थर की तरह ये हो गया था पीली मिट्टी में। तो इस तरह से देखिए इसकी पूरी जड़ मैंने खोल दी है। अब देखते हैं ये लग जाता है कि नहीं लग जाता है, क्योंकि मिट्टी से अच्छे से टाइट होकर के सेट हो चुका था, तो पौधे को अच्छे से पानी नहीं मिल पा रहा था। अब इस ग्रो बैग में मैंने पत्ती वगैरह सारा सेट करके रखा है। तो कुछ मिट्टी अभी और इसका हटा दूँगी, क्योंकि जो पन्नी से मैंने खोल करके इसे इसमें रखा था तो मुझे डर था कहीं इसकी जड़ ख़राब ना हो जाए करके, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट तुरंत दबा दिया था। अब इसको धीरे धीरे करके पूरा खोल दिया है मैंने जड़, और मिट्टी भी कुछ अलग कर रही हूँ। इसके लिए इस तरह से गड्ढा हाथ से मैं बना रही हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं हुई, सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें नीचे पत्तियाँ भी हैं और मिट्टी भी मिक्स है बालू के साथ में। इस तरह से इस ड्रेसिना को मैं लगा दूंगी, और कुछ ढीले अभी भी हैं इसमें, क्योंकि पहले इसको जिस पॉली बैग मैंने लगा रखा था पूरा पीली मिट्टी ही भरा हुआ था। उस टाइम पे जब मैं इसे लगाई थी तो जल्दी जल्दी में मैंने पीली मिट्टी में ही लगा दी है। उसमें कोई भी मिक्सिंग मैंने नहीं की थी, ना ही पत्तियों का मिक्सिंग किया था और ना ही बालू का, तो इसलिए बहुत ही बेकार से तरीके से लगा था। लेकिन फिर भी ये 7 महीने से आराम से चल रहा था। मैंने इसे सेप्टेम्बर में लगाया था, तो अभी ये अप्रैल के आज 22 है, अप्रैल 22 है, तो इतने महीनों से उसी पे पॉली बैग पे लगा था। तो अब मैंने इसमें अच्छे से ग्रो बैग बना करके सेट कर दी है, और इतनी मिट्टी मेरी ये निकल आई है जो कि दूसरे पौधे में ही काम दे जाएगी। तो पन्नी में मैंने इसे अलग कर दिया है, और बाकी जो ग्रो बैग में मैंने लगाया है उस पर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसकी रूट भी बहुत हो गई थी, ये देखिए पहले इस तरह से ये था, इसमें तुलसी जी उग गई थी, इतनी बड़ी सी हो गई थी, अब ये इस तरह से है।